I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Duty College, University of Allahabad. And this is my last lecture in the series of Historical Perspectives of Higher Education. And in this lecture, I am going to cover the time period of 1947 to 2020. Okay, so let's start. बात चल रही है उच्च शिक्षा के विकास की भारतवर्ष में, कि कैसे कैसे उच्च शिक्षा का विकास हुआ है. हम लोग तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय से शुरू करके 1947 तक का पीरियड कवर कर चुके हैं. और अब बात करनी है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, हम इसको ये भी कह सकते थे कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में हायर एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है. तो हम कमीशन कवर करेंगे कि किस किस कमीशन ने भारतीय शिक्षा, उच्च शिक्षा पर क्या क्या कहा है. तो आपको पता ही है कि राधाकृष्णन कमीशन स्पेशली यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए गठित किया गया 1948 में, 1949 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है. तो इसने क्या कहा, सबसे पहले ये खास बात कि हम लोगों ने बहुत बार बात की पर हमें ये नहीं पता है कि ये कमीशन किसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया. तो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो कि 1925 में ही बन गया था, उस क्यों बना था कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बन गई थी, उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन करने के लिए बना था. तो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने रिकमेंड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप एक कमीशन बनाइए जो कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन की प्रॉब्लम्स और प्रॉस्पेक्ट्स को इंक्वायर करे, उसकी जांच करे और इम्प्रूवमेंट के लिए सजेस्ट करे और एक्सटेंशन के लिए दैट माइट बी कंसीडर्ड डिजायरेबल, जो कि वांछनीय है देश की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए. समझ वाली बात. तो इट हैज इट्स रिकमेंडेशंस. तो इसलिए देखिए, हम चूंकि बार बार कमीशंस कमेटीज इधर बहुत हो गया, इसलिए इसको रिपीटेटिव नहीं करूंगी मैं. बस मैंने एकदम क्रक्स में करने की कोशिश की है कि क्या क्या कमीशन ने कहा है, बहुत डिटेलिंग नहीं दी है यहाँ पे. तो इसने किन किन मुद्दों पर अपने रिकमेंडेशन दी है. एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, टीचिंग स्टाफ कैसे फुलफिल किया जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग क्या होगी, कोर्सेज ऑफ स्टडी क्या क्या पढ़ाया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर क्या पढ़ाया जाएगा, क्या उसमें दिक्कतें हैं, क्या उसमें सुझाव हैं, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, प्रशिक्षण और अनुसंधान, प्रोफेशनल एजुकेशन देश में कैसी हो, रिलीजियस एजुकेशन अगर हो तो कैसी हो, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसा हो, किस माध्यम से पढ़ाया जाए, अनुदेशन का माध्यम क्या हो, परीक्षा प्रणाली कैसी हो, स्टूडेंट्स कैसे हो, उनकी एक्टिविटीज, उनका कल्याण, विमेन एजुकेशन की भी बात की गई, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ एजुकेशन. फाइनेंस है ना, कि धन कहाँ से आएगा, कौन से रिसोर्सेज होंगे, कैसे खर्चा होगा, रूरल यूनिवर्सिटीज, क्योंकि भाई ये बात उस वक्त देश कृषि प्रधान देश था, अभी भी है लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल सारा हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी. तो रूरल यूनिवर्सिटीज की स्थापना था कि उनको फुलफिलमेंट किया जा सके, उनका डेवलपमेंट किया जा सके, और मिसलेनियस और भी बहुत विविध है ना. तो इतने मुद्दे थे जिनको राधाकृष्णन कमीशन ने कवर किया. उसके बाद कोठारी कमीशन क्या कहता है हायर एजुकेशन. देखिए सेकेंडरी एजुकेशन इसलिए नहीं ले रहे, उसने भी कुछ ना कुछ कहा है, लेकिन वो चूंकि मेनली सेकेंडरी एजुकेशन पे, इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया. तो कोठारी कमीशन ने कहा कि कंसिडरेबल केयर इज नीडेड इन एस्टैब्लिशिंग न्यू यूनिवर्सिटीज. वो कह रहा है कि नए विश्वविद्यालय बनाने के लिए आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए. दीज शुड बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर एन एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ फंड्स हैज बीन मेड फॉर द पर्पस एंड ड्यू केयर हैज बीन टेकन टू इंश्योर प्रॉपर स्टैंडर्ड्स. वो कह रहा है सिर्फ नाम के लिए आप यूनिवर्सिटी मत खोल लीजिए, तभी खोलिए जब आपके पास प्रॉपर फंडिंग हो उसको खोलने के लिए, और खोलने के बाद आप उसमें प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें. Special attention should be given to the organization of postgraduate courses and the improvement of standards of training and research at this level. और देखिए universities का mainly काम ही यही है कि वो specialization provide करेंगी, वो research provide करेंगी. तो कह रहा है कि special ध्यान दीजिए कि postgraduate courses बढ़िया तरीके से चलें और training और research के standard को आप improve कर सकें. फिर वो कह रहा है सेंटर्स ऑफ एडवांस स्टडी शुड बी स्ट्रेंथेंड एंड अ स्मॉल नंबर ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेंटर्स एमिंग एट द हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड्स इन रिसर्च एंड ट्रेनिंग शुड बी एस्टैब्लिश्ड. देखिए यानी कि कोठारी कमीशन बार बार आपसे सिर्फ यही कह रहा है कि ट्रेनिंग एंड रिसर्च पर ध्यान दीजिए, उसको बढ़िया करिए, एकदम स्टैंडर्ड के संग खोलिए, फंडिंग हो तो खोलिए. देर इज अ नीड टू गिव इंक्रीज सपोर्ट टू रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज जनरली. वो कह रहा है यही विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को आप सपोर्ट कीजिए, उसके लिए फंडिंग कीजिए. द इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च शुड एज फार एज पॉसिबल फंक्शन विद इन द फोल्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज और इन इंटीमेट एसोसिएशन विद देम. वो कह रहा है अनुसंधान के जो भी संस्थान है वो
यूनिवर्सिटीज से गवर्न हो, उनके अंडर में हो, उनके साथ हो, काम कर सके, उनसे संबद्धता में काम करें। मतलब कहने का कि कोठारी कमीशन ने मेनली ट्रेनिंग और रिसर्च और यूनिवर्सिटीज पर, यूनिवर्सिटीज के संदर्भ में ट्रेनिंग और रिसर्च पर सबसे ज्यादा बल दिया। फिर आपका आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसने क्या कहा है, द यूनिवर्सिटी सिस्टम शुड हैव द फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इनोवेट इन टीचिंग एंड रिसर्च। देखिए फिर टीचिंग एंड रिसर्च की बात आ रही है, और ये भी कह रहा है कि जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है, जो विश्वविद्यालय निकाय है, उसको ये स्वतंत्रता होनी चाहिए और जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो नवाचार कर सके, कुछ नया कर सके टीचिंग में और रिसर्च में। द एम्फेसिस ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ कॉलेजेस एंड डिपार्टमेंट्स, प्रोविजन ऑफ मींस टू इंटरैक्ट अक्रॉस बाउंड्रीज ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड फंडिंग एजेंसीज, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेशनलाइज फंडिंग फॉर रिसर्च एंड इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग रिसर्च एंड इवेल्युएशन ऑल रिफ्लेक्ट दिस मेजर कंसर्न। यानी कि ये कह रहे हैं कि ऑटोनॉमस, स्वायत्तता दीजिए विद्यालयों को, आप उनको बढ़िया तरीके से वो एक दूसरे से फंडिंग एजेंसी के संग इनकॉर्पोरेट कर सकें, कोलेबोरेट कर सकें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, उनके पास बढ़िया रिसर्च के लिए फंडिंग हो, आप टीचिंग रिसर्च और इवेल्युएशन को जोड़कर चलाइए, सब कुछ सिर्फ इसलिए कि आप टीचिंग और रिसर्च में इनोवेशन कर सकें। और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन विजुअलाइजेज that higher education should become dynamic as never before। वो कह रहे हैं कि higher education को बहुत dynamic होना चाहिए, और कुछ विशेष उन्होंने मुद्दों पे बात की, जैसे consolidation and expansion of institutions, यानी कि और institution बनाए जाने की जरूरत है, development of autonomous colleges and departments, वो कह रहे हैं स्वायत्त विद्यालय और महाविद्यालय और विभाग बनाइए। फिर वो कह रहे हैं रीडिजाइनिंग कोर्सेज, कोर्सेज को डिजाइन करें, क्यों, 1986 है, नया विश्व है, ग्लोबलाइजेशन आ गया है, आपका क्या नाम है, डिजिटलाइजेशन की शुरुआत हो गई है, इसलिए कहा गया कि कोर्सेज पुराने ट्रेडिशनल कोर्सेज से काम नहीं चलेगा, आपको उसमें नया करना होगा। ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, इतने बढ़िया कोर्सेज को पढ़ाने के लिए आपको टीचर्स भी उतने ही बढ़िया चाहिए, तो आप उनको प्रशिक्षण दीजिए। फिर स्ट्रेंथनिंग रिसर्च, बार बार कहा जा रहा है अनुसंधान को मजबूत बनाइए, उसके लिए इसने कहा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना लो। फिर इम्प्रूवमेंट इन इफिशियंसी, यानी कि जो दक्षता में सुधार। फिर क्रिएशन ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर कोऑर्डिनेशन एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल, उसने कहा कि अभी तक स्टेट लेवल पे कोई कोऑर्डिनेशन की बॉडी नहीं है, तो स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन बनाने की बात कही, और एक्रीडिटेशन एंड असेसमेंट मशीनरी की भी बात की गई, और इसी के बाद नैक की स्थापना होती है ना, और मोबिलिटी। तो इतने पॉइंट्स पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, बहुत है, बहुत लंबा है, लेकिन अब कितनी बार वही वही बातें रिपीट हो, इसलिए एक जगह सिर्फ हायर एजुकेशन के पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, आप चाहिए इसको एलिबरेट कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए। फिर एनकेसी ऑन हायर एजुकेशन, हम इस पे भी बात कर चुके हैं आपसे, लेकिन चूंकि यहाँ सब एक साथ चल रहा था, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है ना, नेशनल नॉलेज कमीशन है ये, हायर एजुकेशन में गठित हुआ, इसने चार बार में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और फाइनली 2009 में जब ये रिपोर्ट अपनी सबमिट करता है, तो ये कहता है कि पांच की एरियाज है, मतलब मुख्य बिंदु है, कौन कौन से, एक्सेस, पहुंच हो सब तक, कंसेप्ट, संप्रत्यय सही हो, क्रिएशन, आपको निर्माण करना है, एप्लीकेशन, आपको अनुप्रयोग भी करना है, और सर्विसेज, यानी आपको सेवाएं भी देनी है। तो इन हायर एजुकेशन रिकमेंडेशंस है फोकस्ड ऑन द थ्री की एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सपेंशन, एक्सीलेंस एंड इंक्लूजन। और हायर एजुकेशन के क्षेत्र में एनकेसी कहता है कि आपको तीन मुद्दे हैं जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। पहले तो आपके यहाँ बहुत कम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय ये सब है, तो एक्सपेंड कीजिए, बहुत बनाइए, उन्होंने बहुत 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 एक्सपेंशन की बात की, और जो बन रहे हैं वो भी एकदम एक्सीलेंट हो, वर्ल्ड क्लास हो, और इंक्लूजन, यानी कि आप उसको उसमें सबको समाहित करके चलिए। फिर एनकेसी ने कहा कि इंक्रीजिंग जीईआर इन हायर एजुकेशन, उसने कहा कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन में बढ़ाना है टू 15 एंड अबव बाई 2015, 2015 तक 15 से अबव करना है, इसका मतलब जब ये बात कही जा रही है तो 8-9 के आसपास जीईआर था। फिर एनकेसी हैज रिकमेंडेड सेटिंग अप एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन, और कह रहे हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी हायर एजुकेशन के लिए IRAHE बना लीजिए, यानी यूजीसी को हटाने के बाद एनकेसी भी कह रहा था, सॉरी अनयूजुअल टाइम रिकॉर्डेड हो रही है इसलिए नींद आ रही है, तो एनकेसी, लेकिन ये बात मानी नहीं गई, मतलब इसकी रिकमेंडेशन ज्यादा फुलफिल नहीं की जा सकी। फिर उसके बाद आपकी आती है जब 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको फुलफिल करने का प्रयास हो रहा है, उसको भी फुलफिल ही करने का प्रयास हो रहा है, अभी तक वो भी फुलफिल नहीं हुई है। तो ये पॉइंट्स हैं जिसपे इसने बात की, बहुत इसके सब पॉइंट्स भी हैं, आप चाहिए आप देख लीजिए। तो एक्सपेंशन, एक्सीलेंस और इंक्लूजन, ये तो सबसे खास है, आपको बढ़ाना है, आपको उत्कृष्ट बनाना है, आपको समाहित करना है, आपको नियामक बॉडी बदल के इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बना लीजिए, फाइनेंसिंग उनकी बढ़िया कीजिए, क्वालिटी बढ़िया हो, नेशनल यूनिवर्सिटीज बनाइए और जिन तक सबकी पहुंच हो। ये पॉइंट्स राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने हायर एजुकेशन पे कहे। और लास्ट
आपका एनईपी 2020। तो ये चूंकि इतनी बार बात होगी एनईपी 2020 पे, हायर एजुकेशन पे बात कर चुकी हूँ, इन टोटेलिटी बात कर चुकी हूँ, इंक्लूसिव एजुकेशन पे बात कर चुकी हूँ, टीचर एजुकेशन पे बात कर चुकी हूँ, टेक्निकल एजुकेशन पे बात कर चुकी हूँ, इसलिए फिर भी मैंने फिर से इसको एक बार लिया कि ये कह रहा है कि क्वालिटी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस बनाइए, अ न्यू एंड फॉरवर्ड लुकिंग विजन फॉर इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम। तो कितने क्या क्या करिए आप, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज बनाइए, मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन को कर लीजिए। अब मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहु अनुशासनात्मक यानी कि एक आपको डिसिप्लिन के अक्रॉस की बाउंड्री को तोड़ना है और उनके उनके बीच के इंक्लूजन को बढ़ाना है, हर विषय से जोड़कर अपने कंसेप्ट को पढ़ाना है। मूविंग टुवर्ड्स फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, स्वायत्तता पे बहुत बल है। रीवैम्पिंग करिकुलम पेडागॉजी असेसमेंट एंड स्टूडेंट सपोर्ट फॉर इनहेंस स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस, ये एंड होना चाहिए। तो मतलब आपका जो पाठ्यक्रम है, आपका जो शिक्षण शास्त्र है, आपका जो आकलन है और जो स्टूडेंट को आप सपोर्ट दे रहे हैं उसको आप बढ़ाइए। रीअफर्मिंग द इंटीग्रिटी ऑफ फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप, लीडरशिप की बात है ये भी, एनआरएफ की बात करें कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना लिया जाए जिससे कि आप रिसर्च को बढ़िया कर सके। और लाइट बट टाइट रेगुलेशन बाई ए सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन, इसने कहा है जितनी बॉडीज चल रही हैं आप सबको विलय कर दीजिए और एक बना लीजिए। किसकी बात की इसने, HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो लाइट कर दीजिए मतलब कम कर दीजिए लेकिन टाइट रखिए रेगुलेशन, ये बात कह रहा है। फिर इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है, इसमें सबसे खास आपके लिए जानने का ये है कि ये कह रहा है कि GER जो है हायर एजुकेशन में वो 2018 में 26.3% था, हम उसको 2035 तक 50% करने का हमारा लक्ष्य है। अब हम देखते हैं 2035 तक हम कितना पा लेते हैं। फिर ये बात कर रहा है कि टुवर्ड्स ए मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन हो गया, लर्निंग एनवायरमेंट एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स की बात हो गई, इंटरनेशनलाइजेशन है ना, तो वैश्विक स्तर पर बात होती है, स्टूडेंट एक्टिविटी पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए स्टूडेंट्स को, अपने यहाँ जो फैकल्टी रखी वो मोटिवेटेड हो, एनर्जाइज हो और केपेबल हो, तभी वो बेहतर पढ़ा पाएगी। इक्विटी एंड इंक्लूजन की बात की, समता हो, समाहित हो सभी हायर एजुकेशन में, और टीचर एजुकेशन पे भी इसने बात की कि शिक्षक शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता है। इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन को कैसे सुधार सकते हैं, कैटलाइजिंग क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च इन ऑल फील्ड्स थ्रू ए न्यू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात हो गई। एक ये सबसे खास बात, ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन, उसने कहा कि इतने सारे UGC है, NAC है, इन सबको आप हटा दीजिए और सिर्फ एक बनाइए HECI हायर एजुकेशन काउंसिल सॉरी कमीशन ऑफ इंडिया, और उसमें चार वर्टिकल बनाइए, वही सब काम करेंगे। पहला वर्टिकल इनका होगा NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, वो रेगुलेशन का काम करेगा। सेकेंड वर्टिकल होगा आपका NAC, इसको कहा नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, अब उसमें से असेसमेंट शब्द हटा दिया है। थर्ड वर्टिकल उन्होंने कहा होगा एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, जो ग्रांट्स देने का काम करेगा, जो UGC करती है। और फोर्थ वर्टिकल उन्होंने कहा होगा GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल, जो जनरल फंक्शनिंग देखेगा हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज की। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने चित्र उच्च शिक्षा के विकास का भारतवर्ष में पूरा। मैंने उसको मतलब पुरातन काल से एंशियंट काल से लेके 1857 तक का, फिर 1857 से 1947 तक यानी कि ब्रिटिश काल में कैसे चल रही है शिक्षा, और स्वातंत्रोत्तर भारत में कैसे उच्च शिक्षा में क्या क्या सुधार, क्या क्या सुझाव कब कब दिए गए, और अब जो स्थिति है वो है। In this way, I have completed the historical perspectives of higher education in India. Thank you, and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education. I have done from my side.